अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबी टेक्नीशियन और मैं हूं जेबी। दोस्तों आज की वीडियो बॉक्स रिले की है। ये रिले जो है इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, तो ये बॉक्स हमने कहीं लगाना था तो हमने सोचा कि आपको भी इसके साथ हम बताते जाएंगे इसके बॉक्स की तैयारी हमने कैसे की। दोस्तों अक्सर रिले जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ये रिले बड़ी होने की वजह से इसको हम अकेले भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिले अभी यूज़ हो रही है, ये इस्तेमाल हो रही है, ये हम लोग इसको चेंज ओवर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो चेंज ओवर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो चेंज ओवर के बारे में इससे पहले भी हम इसी रिले से वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम डबल लाइन चेंज की, ट्रिपल लाइन चेंज की, थ्री फेस को ऑटो चेंज किया, तो इससे पहले हम ये वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बॉक्स रिले है, ये एक ज़बरदस्त रिले है, काफ़ी एम्पेयर की है, हैवी एम्पेयर की रिले है, तो इसको हम अकेले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इसको जनरेटर और इलेक्ट्रिक लाइन में यूज़ कर रहे हैं जिसको ये ऑटो चेंज करेगी, ठीक है। ये हमने इसके लिए न्यून लाइट्स लगाई, ठीक है। ये आप रिले देख रहे हैं, इसको भी आपको ऑन करके भी हम लोग बताएंगे, इसकी वायरिंग भी आपको दिखा दूं मैं, ठीक है। ये इसकी वायरिंग है, ये हमने बनाई है, जो ये जो हमने कनेक्टर लगाया है इसमें जनरेटर की लाइन डायरेक्ट लग जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक की लाइन डायरेक्ट लग जाएगी, और आपके लोड की लाइन जो है ये तीसरा वाला जो कनेक्टर है इसमें वो लग जाएगी, ठीक। तो अभी मैं इसको आपको एक दफ़ा खोल के भी बता देता हूँ। ठीक है जी, आप देख रहे हैं रिले। दोस्तों ये ऊपर वाले पॉइंट जो सबसे पहले पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारे ठीक है एनसी के पॉइंट हैं, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि एनसी जो है इसके साथ जो हमारा कॉमन पॉइंट है इसके साथ बिल्कुल वो क्लोज़ है, ठीक। और ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं वो हमारे एनओ के कनेक्शन पॉइंट हैं, ठीक। एनओ के कनेक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं कि कनेक्शन किया हुआ है, ये हमारे जो कनेक्शन पॉइंट हैं ये कोयल के हैं, इसमें जो 220 की कोयल लगी हुई है उसके कनेक्शन पॉइंट हैं दोनों तरफ, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेज़ के, ठीक है। इसके बाद ये हमारे आखिरी वाले जो कनेक्शन पॉइंट हैं ये हमारे लोड के कनेक्शन पॉइंट हैं, न्यूट्रल और फेज़, ये हमारे लोड के कनेक्शन पॉइंट हैं जो कि हमारे घर का लोड होता है, ठीक है। एक दफ़ा आपको बता दूं, ये हमारे जो फर्स्ट वाले हैं ये हमारा न्यूट्रल फेज जनरेटर का है, एनसी वाले कनेक्शन पॉइंट में लगा हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिक का न्यूट्रल और फेज़ है जो कि एनओ वाले कनेक्शन पॉइंट पर लगा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक से ही हमने कोयल को कनेक्शन दिया हुआ है, कोयल क्योंकि 220 के है और इलेक्ट्रिक से ही हमने कोयल को कनेक्शन दिया हुआ है। और सबसे एंड में जो है आउटपुट हो रहा है ये हमारा लोड के कनेक्शन जो हैं कि वो आउटपुट हो रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको दो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक की लाइट है और ये हमारी जनरेटर की लाइट है। जब जनरेटर होगा तो ये लाइट ऑन होगी और जब इलेक्ट्रिक ऑन होगी तो ये रेड वाली लाइट जो है वो ऑन होगी, ठीक है। अभी इसको हम आपको ऑन करके भी दिखा देते हैं। ये हमने देखा इलेक्ट्रिक की लाइन ऑन की, रिले काम किया और जो हमारा एनओ वाला कनेक्शन पॉइंट था अभी वो एनसी हालत में है और हमारी जो है लाइट वो ऑन पोजीशन में है, ठीक है। एनओ वाला पॉइंट वो एनसी हालत में है और हमारी लाइट जो है वो ऑन पोजीशन में है, ठीक है। वायरिंग में आपको पहले भी अंदर से दिखाई है और भी फिर दिखा रहा हूँ। ये जो दो वायर न्यूट्रल फेज के वायर हैं ये हमारे कनेक्टर में लगे हुए हैं, ये हमारे जनरेटर के, ठीक है, कनेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जनरेटर का कनेक्टर है, इसके बाद दो लाइन न्यूट्रल फेज़ लगा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक का न्यूट्रल फेज़ है और तीसरा वाला जो कनेक्टर लगा हुआ है ये हमारा लोड का कनेक्टर लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने लैंप को कनेक्शन दिए हुए हैं, ठीक। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक ऑन की
और एनसी वाला पॉइंट जो वो एनो हालत में चला गया और हमारा जो है वो लाइट ऑन हो गई। अभी लाइट को हम ऑफ़ करेंगे। ये लाइट को ऑफ़ किया और जनरेटर लाइन को हमने ऑन किया। आप देखोगे कि हमारी जो ऊपर वाला कनेक्शन पॉइंट है जो कि जनरेटर की लाइन का है वो अभी एनसी की हालत में है और ये कॉमन के साथ एनसी पोजीशन में है। ठीक है, जब कोयल बंद होगी, इलेक्ट्रिक बंद होगी, तो जो हमारा एनओ वाला पॉइंट है वो काम छोड़ देता है और एनसी वाला डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक, और वो उस लोड को कनेक्शन देना शुरू कर देता है। अभी हमारा जनरेटर जो है जनरेटर लाइन ऑन है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हमारी ब्लू वाली लाइट जो कि हमने जनरेटर के कनेक्शन पॉइंट में लगाई है तो ये जो बता रही है कि अभी जो है कि हमारा जनरेटर जो है वो ऑन है। दोस्तों, इससे पहले भी इसी बॉक्स रिले पे हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। बॉक्स रिले यानी कि हैवी है, अच्छी है, और इसको डायरेक्ट हम चेंज ओवर की जगह पे, ऑटो चेंज ओवर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और मज़ीद अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।